हेलो एवरीवन, वेलकम टू परी किचन। आज हम बनाने वाले हैं उपवास में खाने के लिए साबूदाना बनाना टिक्की। तो आइए जानते हैं हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी साबूदाना, कच्चा केला और आलू, बारीक कटी हुई धनिया, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, 2 बड़े चम्मच घी लेंगे, दही और भुना हुआ जीरा पाउडर, सेंधा नमक जिसे हम उपवास में खाते हैं, और हम काली मिर्च लेंगे। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम साबूदाना लेंगे और इसमें पानी डालकर आधे घंटे भीगने के लिए छोड़ देंगे, और आलू और केला को हम बॉयल कर लेंगे, फिर इसके छिलके हटा लेंगे और आधे घंटे के बाद साबूदाना को पानी से निकाल कर 2 घंटे के लिए उसी बर्तन में ढककर रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं तो देखिए साबूदाना कितने अच्छे से फूल गया है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट का एक मिश्रण तैयार करेंगे। इसके लिए बॉयल आलू और बनाना लेंगे, इसमें साबूदाना डालेंगे, हरी मिर्च, हरी धनिया और अदरक डालेंगे, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च डालेंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को मिलाएंगे और इस तरह से मिश्रण तैयार कर लेंगे। अब हम टिक्की वाले मिश्रण से छोटी छोटी लोई लेकर एक अच्छा सा शेप देंगे, इस तरह से, ये देखिए। इसी तरह से सारी टिक्कियां बना लेंगे। और अब इसको सेकने की बारी है। इसके लिए गैस ऑन करके तवा रखेंगे और इसमें घी डालेंगे। घी को अच्छे से पूरे तवा में फैला लेंगे और अब हम इस पर एक एक करके अपनी सभी टिक्कियों को सिकने के लिए रख देंगे। जब वन साइड सिक जाए तो हम इसे पलट देंगे इस तरह, और इसी तरह पलट पलट कर दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब हमारी टिक्कियां बनकर तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसे गार्निश करने के लिए इस पर इमली की खट्टी मीठी चटनी, दही और हरी धनिया डालेंगे। इसे और टेस्टी बनाने के लिए इस पर थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालेंगे। तो देखिए हमारी साबूदाना बनाना टिक्की खाने के लिए बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।